हाय फ्रेंड्स, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग है हम इसे अभी रिटच करने जा रहे हैं। 20 अगस्त का था, लगभग अभी 50-55 दिन हो रहे लगभग, तो यहाँ 60 दिन में कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग ज्वाइंट हो जाता है। तो अभी हम इसे अलग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग के बारे में बता चुका हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग अपनी ज्वाइंट हो जाती है तो 60 दिन में लगभग ज्वाइंट हो जाती है, 60 दिन के बाद में ही डिटैच कीजिएगा। अब इसे 55 दिन हो गए। यहाँ कस्टर्ड एप्पल का है तो यहाँ जल्दी ज्वाइंट हो जाता है, लगभग 55 दिन में हो जाता है लगभग। तो अभी इसको डिटैच करने के पहले लगभग आपको 40 दिन के बाद में यहाँ जो ज्वाइंट रहता है, इसके पहले 2 सेंटीमीटर पहले आपको हाफ कट देने की है। और यह हाफ कट देने के बाद में फिर जैसे 40 दिन के बाद हाफ कट देंगे तो 40 दिन के बाद में फिर 45वें दिन के बाद में फिर यहाँ से दूसरी हाफ कट देने का, प्लांट चिपका हुआ रहेगा, ख्याल में रखना है ब्रांच है। और फिर तीसरे 5 दिन के बाद में आपको पूरी कट देने का है। तो मैंने इसे अभी 10 दिन पहले एक कट दिया था और 5 दिन पहले एक कट दी थी। अभी लास्ट कट इस पर मैं देने जा रहा हूँ ताकि 40 और 15 दिन, यानी 40वें दिन एक कट दी थी हाफ कट, उसके बाद में उसके नीचे और एक कट दी थी 5 दिन बाद में, यानी 50वें दिन, और फिर आज पूरी फुल कट देने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आपको 5-5 दिन में कट देते जाना है, हाफ हाफ कट नीचे करते हुए, ताकि वहाँ फूड मटेरियल जो है यहाँ पैकेट से लेना चालू करे फुल्ली और इससे वो दूरी बना ले। इसलिए यहाँ कट्स दी जाती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग में 40 दिन के बाद में, ये कट देने के लिए 5-5 दिन का ड्यूरेशन, पूरी फुल कट एक साथ नहीं दीजिएगा, ताकि वो अपने यानी मेन प्लांट से फूड मटेरियल ना लेते हुए यहाँ से पैकेट से जो अपना ज्वाइनिंग पार्ट है उससे वहाँ फूड मटेरियल लेना चालू कर दे। तो आपको हाफ कट यानी मैं बता चुका हूँ, हाफ कट यानी आधी कट, यानी चाकू से जैसे यहाँ कट मारने का, जैसे चाकू से यहाँ कट मारने का, जैसे ये ज्वाइन है यहाँ से इसके नीचे, जैसे आधा कट मारा था मैंने यहाँ, देखिएगा, फिर इसके ऊपर में एक आधी कट इधर से मारी थी। तो इस प्रकार आधी आधी कट मारने का है, जैसे ऊपर से अगर आधी कट मारी आपने 2 सेंटीमीटर नीचे, तो उसके बाद में दूसरे जगह से आपको आधी कट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे तरफ से मारें, ताकि वहां पौधा अलग ना हो। और उसके बाद में तीसरी कट जो है 15वें दिन में, यानी 40 दिन में एक, 45 दिन में एक, और 50वें दिन में फाइनल। तो मैं यहाँ अभी फाइनल कट यहाँ से मारने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ लगभग 60 दिन में बता चुका हूँ आपको, यहाँ 55 दिन में ही हो गया है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पौधा हमारा अलग हो गया है। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपको जाने का है, वहाँ सुनील कुमार मुटकुरे लिखना है, उसे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको इस प्रकार यहाँ फोटो दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में ये प्लेलिस्ट में जाने का है, देखिएगा वीडियोज, या वीडियोज में जाने का है, और वीडियोज के बाद में ये प्लेलिस्ट आएगी, देखिएगा। तो यहाँ पर आपको बार्क ग्राफ्टिंग है, सभी कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग हम अभी कस्टर्ड एप्पल ग्राफ्टिंग है, देखिएगा। इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ वीडियोज मिल जाएंगे, कस्टर्ड एप्पल कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग, ये देखिएगा, फिर इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ कस्टर्ड एप्पल कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग का पूरा क्या लगेगा टोटल इस्तेमाल कीजिए, कोकोपीट में टोटल प्रोसेस मिल जाएगा दोस्तों, डाल दीजिएगा। और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कंपोस्ट डाल दीजिएगा। तो अगर से यहाँ आपको पसंद आया हो तो यहाँ लाइक का बटन ऐसा क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, यहाँ बेल आइकन है। तो देखिएगा दोस्तों,
यहाँ कम्प्लीटली ज्वाइंट हो गया है, यहाँ देखिएगा, और यहाँ देखिएगा कम्प्लीटली ज्वाइंट हो गया है, यहाँ देखिएगा पोर्शन। मैंने पॉलीथीन छोड़ दी इसमें, देखिएगा पॉलीथीन, यहाँ पॉलीथीन मैंने छोड़ दी है, देखिएगा। और यहाँ यहाँ से कट कर दिया मैंने मदर प्लांट से, यहाँ मदर प्लांट पे जहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग बांधी थी यहाँ से कट कर दिया आज। तो इस प्रकार आपको टोटल प्रोसेस देखने का है। तो दोस्तों अब मैं इसे, आपको यहाँ से पॉलीथीन छोड़ा था, लेकिन पॉलीथीन थोड़ी सी मैं अभी इसे बांध दूंगा कुछ दिन के लिए ढीली, ताकि ये जॉइंट अलग ना हो। अभी तो आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ जैसी ब्रांच हो गई, तो दोस्तों अभी इसे मैं क्यों काट रहा हूँ, अभी मैं इसे इसलिए काट रहा हूँ कि यहाँ जो रूट्स है यहाँ इस पौधे लायक सप्लाई नहीं करेगा, इसलिए मैं अभी इसकी ब्रांचेस काट दे रहा हूँ ताकि यहाँ प्लांट छोटा कर दूँ। और यहाँ जैसे अभी कंसिडर करो, यहाँ छोटा कर दे रहा हूँ प्लांट में, ताकि इसे फूड मटेरियल बराबर यहाँ सप्लाई हो। तो मैं इसे भी कट कर रहा हूँ ताकि यहाँ जो वेपराइजेशन रेट भी कम हो जाए। तो मैं अभी इसे प्लांट छोटा कर दिया दोस्तों, देखो देखिएगा इस प्रकार। आपको यहाँ करने के बाद में अभी इसका वेट भी कम हो गया, देखिएगा आप इसका वेट कम हो गया, वेट कम हो गया। अब मैं इसे फिर से यहाँ से थोड़ा सा एक महीने के लिए यहाँ ये बांध देता पॉलीथीन, यहाँ देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा फिर से मैं इसे बांध रहा हूँ अभी फिलहाल में टेम्पररीली, क्योंकि यहाँ नया पार्ट है तो वजन से ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए मैं अभी इसे यहाँ से बांध रहा हूँ इसे फिर से। आपको सिर्फ मुझे दिखाना था कि यहाँ कैसे ज्वाइंट हो गया है, और खुद के भरोसे आने अब ये फूड मटेरियल सप्लाई करना चालू। ये पट्टी मैं आप लगभग एक महीने बाद में या तो दो महीने बाद में इसे खोल दूंगा, क्योंकि यहाँ जो वेट है, यहाँ वेट। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग का मैं सीजन बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग जून महीने से लेके आपको अक्टूबर माह तक करते आती है, और इसका मैच्योरिटी मैं बता चुका हूँ कि 60 दिन में लगभग कोई भी कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग जुड़ जाती है लगभग। और यहाँ देखिएगा मैंने वो डिटैच किया, तो इसके पहले मैं मैंगो का भी कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग का बता चुका हूँ, या कस्टर्ड एप्पल का कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है। अब इसे लगाने का कैसा, अब डायरेक्ट इसे प्लांटिंग नहीं करने का, इसे लगभग दो माह आपको छाव में शेड में रखने का, शेड में यानी घर के अंदर नहीं, पेड़ के नीचे हो या आपके कोई शेड जैसी बना हुआ है उसके नीचे रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए लगभग दो महीने तक। और इसकी ब्रांचिंग कम कर दीजिएगा जो भी ब्रांचेस, और लिमिटेड पत्ते रखिएगा ताकि यहाँ जो रूट है इसको फूड मटेरियल अच्छे तरीके से सप्लाई हो। तो इस प्रकार आपका एयर लेयरिंग हो या ये इस प्रकार का कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग हो, इसमें आपकी ब्रांचिंग कम कर देने की है, ताकि भाई इसे पूरा पैकअप ये यानी अपने ओन इस पे शक्ति पे ये इससे फूड मटेरियल ले सके। अब दोस्तों अब हमने इसे डिटैच कर लिया है, अब इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में आप तुरंत में यहाँ पूरी ब्लेड मार के यहाँ पूरी पॉलीथीन निकलवा लेने की, और सॉइल प्रिपरेशन जो पॉटिंग है, मैं बता चुका हूँ सॉइल प्रिपरेशन पॉटिंग का, वहाँ पॉटिंग का मेरा पुराने वीडियोस है मैंगो एयर लेयरिंग के, पॉटिंग किस प्रकार की जाती है, उसी प्रकार एयर लेयरिंग की जैसे पॉटिंग करती है उसी प्रकार इसकी पूरी पॉलीथीन इसकी खोल दूंगा मैं अभी, और इसे मैं पॉटिंग कर दूंगा, बड़े पैकेट में लगा दूंगा अच्छे से मिट्टी डाल के, या तो किसी गमले में या किसी अदर जगह, और उसके बाद में इसे दो महीने मैं अपने इसमें रखूंगा, और उसके बाद में आप जहां लगाना है साल भर के बाद, एक साल दो साल तीन साल के बाद में, तो आप कभी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यहां एयर लेयरिंग सरस्वती सेवन का यहां प्लांट है। तो आपको अगर से यहां वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।